चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम इसरो के प्लान के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और स्पेस एजेंसी से इसका संपर्क टूट गया। हालांकि ऑर्बिटर की मदद से विक्रम की लोकेशन का पता लग चुका है, वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक रिपोर्ट की माने तो जहां विक्रम लैंड हुआ है वो एक बहुत ही खतरनाक इलाका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने अपने खुद के एक मिशन के लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी। ESA का मिशन तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन तैयारी के दौरान बनाई गई उसकी रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। लूनर लैंडर मिशन नाम का प्रोजेक्ट ESA ने फंड्स की कमी के चलते बीच में रोक दिया। इसके तहत 2018 में लैंडिंग होनी थी। मिशन की प्लानिंग स्टेज में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग से जुड़े खतरों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस क्षेत्र की सतह पर एक जटिल पर्यावरण है। इसमें चार्ज पार्टिकल्स और रेडिएशन चांद की धूल से मिलते हैं। इस प्रक्रिया के नतीजे हैरान करने वाले, सोच से बाहर और खतरनाक हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद की धूल इक्विपमेंट में चिपक कर मशीनें खराब कर सकती है, सोलर पैनल को ढक सकती है और इक्विपमेंट्स की कार्यक्षमता को कम कर सकती है। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चांद पर धूल उड़ाती हैं, जिससे खतरा हो सकता है। इन पार्टिकल्स से बने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण आगे जाने वाले लैंडर्स के लिए खतरा पैदा हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चांद की धूल के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि लैंडिंग के दौरान लैंडर को ऐसी किसी भी छाया पर नजर रखनी होती है जिससे सोलर पावर जनरेशन का असर हो। साथ ही ढलान और बड़ी चट्टानों का भी ध्यान रखना होता है, जिससे लैंडर को रुकने के दौरान खतरा हो सकता है। ESA फिलहाल कनाडा और जापान की स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर हेरकल्स रोबोटिक मिशन की तैयारी कर रही है, जिसके तहत 2020 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी है। ESA रिपोर्ट के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ प्योर्टो रिको मायागेज ने नासा के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाई थी। लूनर एक्सप्लेनेशन एंड एक्सिस को पोलर रीजन नाम की रिपोर्ट में एक क्षेत्र में से लैंडिंग से जुड़े खतरों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट नासा के 2024 तक चांद पर इंसान भेजने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। नासा ने कहा कि वे चंद्रयान 2 के डेटा का इस्तेमाल कर अपना मिशन आर्टमीज प्लान करेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी ध्रुव में स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने में 17 तरीके के रिस्क हो सकते हैं। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही। फिर एक नए विषय के साथ आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।